नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है न्यूज इंडिया पर सबसे बड़े शो इंडिया के सवाल का। बिहार में एक बार फिर से सियासी भूकंप की आहट महसूस होने लगी है। सर्दी के सितम में भी बिहार का सियासी पारा हाई हो गया है। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार का सियासी माहौल काफी गर्म हो चुका है। नीतीश कुमार के लगातार बदलते तेवर से बिहार में अटकलों का बाजार गर्म है और ऐसी संभावनाएं जताई जाने लगी है कि महागठबंधन में ऑल इज नॉट वेल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो वहीं नीतीश कुमार और लालू तेजस्वी यादव के बीच लगातार दूरियां बढ़ती ही जा रही है। अटकलें लगाई जा रही है कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं। बीते कुछ दिनों के घटनाक्रमों पर गौर करने से लगता है कि बिहार में नीतीश की राहें कभी भी अलग हो सकती हैं। हालांकि सियासत में कुछ भी संभव है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। अभी हाल ही में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहते वो नजर आए। सिर्फ इतना ही नहीं, इस दौरान नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस पर परिवारवाद को लेकर निशाना साधा, जिसके बाद आरजेडी और जेडीयू में घमासान शुरू हो गया है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक के बाद एक लगातार ट्वीट किया और बिना नाम लिए नीतीश कुमार पर सियासी प्रहार कर दिया है। हालांकि बाद में उन्होंने पोस्ट को डिलीट भी जरूर कर दिया, लेकिन तब तक सियासत तो शुरू हो चुकी थी। बिहार में चल रहे सियासी खेल को लेकर बीजेपी ने भी तंज कसा है और कहा है कि महागठबंधन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि क्या आरजेडी और जेडीयू में दरार आ चुकी है? क्या नीतीश कुमार कभी भी पाला बदल सकते हैं? अगर आरजेडी जेडीयू में यूं ही खींचतान मची रही तो इंडिया अलायंस का क्या होगा? इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। चौबीस के लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बाकी रह गया है, लेकिन उससे पहले भरपूर सियासत की जा रही है। मोदी रथ को रोकने के लिए एक साथ आया विपक्ष जुड़ने से पहले ही टूटता नजर आ रहा है। पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और फिर पंजाब की मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने अपने राज्य में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को आकार देने में लीड रोल निभाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तेवर भी तलख नजर आ रहे हैं। दिन पर दिन लालू यादव के साथ नीतीश कुमार की बिगड़ती केमिस्ट्री भी इंडिया गठबंधन के लिए सही नहीं है। क्या बिहार की जेडीयू प्लस आरजेडी सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है? ये सवाल अब सियासी सुर्खियों में एक बार फिर उठने लगा है। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा, तो परिवारवाद के बहाने कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे? आजकल लोग परिवार का लोग कितना पढ़ता रहता करते रहता है, नेता बनता है। आज जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं दो, चले गए तभी हम इनको, जो रामनाथ ठाकुर जी को, जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। यहाँ पर मंत्री रहे, सब कुछ रहे, आजकल राज्यसभा के सदस्य हैं और वहाँ पर पार्टी के तो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, पार्टी के नेता भी हैं, हर तरह से उनका इज्जत हम लोग करते हैं।
तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। पिछले कुछ दिनों से बिहार में आरजेडी और जेडीयू के रिश्तों में दूरियां आने की चर्चा लगातार सामने आ रही है। ऐसे में नीतीश कुमार के परिवारवाद पर दिए गए बयान पर सियासत भी तेज हो गई है। नीतीश कुमार के बयान के एक दिन बाद आज लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स हैंडल पर ताबड़तोड़ पोस्ट किए हैं। इस पोस्ट के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। सियासी गलियारों में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। रोहिणी ने जिस तरह की पोस्ट डाली है वो साफ साफ राजनीतिक नजर आ रही है। रोहिणी ने पहली पोस्ट में लिखा कि अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पे कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। रोहिणी के इस पोस्ट से साफ साफ नजर आ रहा है कि वो किसी खास व्यक्ति पर निशाना साध रही है। वहीं रोहिणी आचार्य ने अपनी दूसरी पोस्ट में लिखा, खीज जताए क्या होगा जब हुआ ना कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नियत में ही हो खोट। रोहिणी आचार्य ने अपनी तीसरी पोस्ट में लिखा, समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिसकी विचारधारा है। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार का सियासी माहौल गर्म है। आरजेडी और जेडीयू के बीच चल रही अनबन पर बीजेपी ने कटाक्ष किया है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि लालू और नीतीश कुमार के बीच खेल चल रहा है। नीतीश कुमार और लालू यादव में 6-5 का खेल चल रहा है। दोनों एक दूसरे के प्रति अपना 6-5 का खेल खेल रहे हैं। दोनों हार्ड बार्गेनर हैं, बार्गेन कर रहे हैं। कभी लालू जी कहते कि उनके लोग कि लालू जी के आशीर्वाद से हैं, तो तुरंत नीतीश जी का मंत्री बयान देता, फिर लालू जी पिता पुत्र घुटना टेकते, फिर नीतीश जी सीना तानते, फिर उनकी परिवार बात पर अटैक करते कर्पूरी जी के कार्यक्रम में। तो ये चल रहा है। बिहार की सियासी फिजा में बदलाव की आहट मिल रही है। सत्ताधारी महागठबंधन की एकजुटता संकट में है। जेडीयू और आरजेडी की अनबन चरम पर पहुंच गई है। माना जा रहा है कि जेडीयू आरजेडी के बीच लगी आग में रोहिणी के पोस्ट ने घी डाल दिया है। अब आरजेडी और जेडीयू के बीच लगी ये आग बुझेगी या और भड़केगी, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। न्यूज इंडिया के लिए नेहा भदौरिया की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देख ली। अब हमारे गेस्ट का पैनल भी हमारे साथ जुड़ गया, उनका भी तारुफ आपसे करा देती हूँ। डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूनम पंडित नेता कांग्रेस, कुंवर अजय सिंह प्रवक्ता जेडीयू के जुड़ेंगे हमारे साथ। वहीं अरुण कुमार यादव प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूनम सिंह प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का सबसे पहले तो स्वागत करना चाहूंगी न्यूज इंडिया पर। चले शुरुआत करते हैं चर्चा की। अरुण जी आपके साथ ही शुरुआत करना चाहूंगी। जननायक कर्पूरी ठाकुर को सम्मान ने बिहार में बवाल मचा दिया है, क्या कहेंगे? आखिर रोहिणी के ट्वीट को पहले वो करती हैं और उसके बाद डिलीट कर देती हैं, क्या लगता है? देखिए पूजा जी, जी इंडिया का सवाल है और आपने पहले ही कहा ये शो का भी नाम है, बहुत अच्छा नाम है जी। और कहीं कोई बवाल नहीं है, सब इस मुथली जनहित में, इंडिया के सवाल पर देश हित में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। महागठबंधन बवाल नहीं है, लेकिन राबड़ी आवाज पर हलचल तेज हो गई है। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने बैठक बुला ली है। अरुण जी नहीं नहीं, ये सब आपको दिखाई देता है। अब देश में जो है, अब कुछ चैनल उसका काम है कैसे टीआरपी बढ़ेगा, तो ये तो लगातार कुछ ना कुछ चला ही रहे हैं। जब से इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ है, या कह सकते हैं 15 महीने से बिहार में महागठबंधन की सरकार है। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। तो
तो देखिए पीएम मोदी पहुंच चुके हैं और उनके साथ फ्रांस के रिश्ते भारत से किस तरह से मजबूत हो, इसके लिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयासरत हैं। ये देखिए एक दूसरे को गले लगाकर फ्रांस से भारत के संबंध को और बेहतर करने की एक और कोशिश, एक और कदम भारत का सफलता की ओर। इमानुएल और साथी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ नजर आ रहे हैं और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार मुख्य अतिथि के तौर पर मैक्रो 26 जनवरी को कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं और इसके लिए वो जयपुर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया है। फ्रांस और भारत के रिश्ते किस तरह से और बेहतर हो, इस पर लगातार काम जारी है। पेरिस से पधारे मेहमान का स्वागत किया गया। पिंक सिटी में मोदी मैक्रो की नई एक शुरुआत आपको नजर आ रही है। एक दूसरे को गले लगाकर पीएम मोदी ने स्वागत किया है मैक्रो का। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए ये बताने की कोशिश की वाकई संबंध बेहतर हो रहे हैं फ्रांस से भारत के। तो देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भारत की अपनी दो दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए पहुंचे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और राज्यपाल कलराज मिश्रा ने उनका स्वागत किया। मैक्रो गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मैक्रो जयपुर में मशहूर अमरकोट को देखने जाएंगे और उनके सम्मान में वहां एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से मिलने के लिए जयपुर पहुंच चुके हैं। मैक्रो पहले ही जयपुर आ चुके हैं और आमेर किले का दौरा कर रहे थे। बाद में दोनों नेता शाम को होटल रामबाग पैलेस में बैठक करने से पहले जंतर मंतर से हवा महल तक एक रोड शो में हिस्सा लिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने जयपुर के आमेर किले में भारतीय छात्रों के साथ बातचीत की और दो दिवसीय ये दौरा उनका बेहद खास माना जा रहा है। न्यूज़ एजेंसी की ओर से भी लगातार इस तरह के अपडेट और खबरें दी जा रही हैं। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो आज जयपुर में महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा स्थापित प्रसिद्ध सौर वेदशाला जंतर मंतर का दौरा करेंगे और इसे जुलाई 2010 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। इसमें 18 उपकरणों का एक सेट शामिल है और ये दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर वेदशाला है। इसमें विभिन्न उपकरण शामिल हैं जिनमें लघु सम्राट यंत्र भी शामिल है और सिर्फ कोशिश ये कि रिश्ता किस तरह से और बेहतर हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत राज्यपाल कलराज मिश्रा और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किया और इस दौरान दोनों नेता आमेर फोर्ट, जंतर मंतर, त्रिपोलिया बाजार और जौहरी बाजार भी विजिट करेंगे। हालांकि ये मुलाकात के साथ जो दौरा है वो लगातार जारी है। रामबाग पैलेस होटल में महत्वपूर्ण वार्ता हुई है पीएम मोदी की और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो की। ये मुलाकात न केवल प्रदेश के लिए, न केवल राजस्थान के लिए बल्कि पूरे देश के लिए अहम है। दोपहर
2:30 पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति वायुसेना के विशेष विमान से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे और इसके बाद 4:30 पर प्रधानमंत्री मोदी जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। यहां राज्यपाल कलराज मिश्रा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनका स्वागत किया है। इस दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहे। चलिए तो एक बार फिर से हमारे साथ हमारे गेस्ट का पैनल जुड़ा हुआ है, उनका रुख कर लेते हैं। अरुण कुमार जी से चर्चा चल रही थी। अरुण जी, आपसे जवाब मैंने मांगा था कि ये जिस तरह से सियासी पारा हाई हो गया है, आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, मीडिया सुर्खियां बटोर रही है, बेवजह की टीआरपी बटोरी जा रही है, लेकिन बैठकों का दौर तो शुरू हो गया है। दिल्ली में अमित शाह और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की मीटिंग चल रही है, वहां पर रावड़ी आवास पर मीटिंग चल रही है और आप कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, यानी आपको खबर ही नहीं है। नहीं नहीं, आपको खबर नहीं है, हमारी पार्टी है। हम तो विस्तार से दिखा रहे हैं, हम तो विस्तार से दिखा रहे हैं अरुण जी। अब कौन के, अब दूसरे पार्टियों की तो बात नहीं कह सकता, लेकिन हमारे पार्टी के तो अंदर इस तरह की कोई गतिविधि नहीं है, न ही बैठक हो रही है। अब कहां से आप लाते हैं सारी खबर, ये आपको मुबारक। हाँ, इतना जानते हैं इंडिया के सवाल पर इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ था, इंडिया के सवाल पर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी एनडीए से अलग हुए थे, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट किया था कि जिस समय एनडीए से वो अलग हुए थे तो उन्होंने तो स्पष्ट कहा था कि भारतीय जनता पार्टी पहले वाली एनडीए नहीं रहे वाजपेयी के समय। चलिए ठीक है, पूनम पूनम जी का रुख कर लेते हैं। पूनम जी, देखिए जिस तरह से परिवारवाद को लेकर खलबली बिहार में मची है और इस बीच चर्चा ये है। अरुण जी, लौटूंगी आपकी तरफ, लौटूंगी आपके पास भी, लेकिन पूनम जी अब कहा ये जा रहा है, अटकलें ये है कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं नीतीश कुमार, एनडीए फिर से मजबूत हो जाएगी। देखिए, पहले तो स्पष्ट कर दे कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, इसको कहा नहीं जा सकता, लेकिन मीटिंग हम लोग की पार्टी की वो कंटिन्यू चलती रहती है, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष की हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष की हो, चाहे अदरवाइज पार्टी की मीटिंग हो, वो तो कंटिन्यू चलती रहती है, आपके द्वारा भी दिखाया जाता है। और हम आरजेडी के प्रवक्ता भाई को बताना चाहेंगे कि मीडिया पर जो आरोप लगा रहे हैं ये सरासर निराधार है, क्योंकि आप लोगों के चैनल के द्वारा जो दिखाया जाता है किसी भी सूत्र के माध्यम से तो वो सही साबित होती है। लल्लन सिंह का जो दिखाया जा रहा था तो उस समय भी ये लोग यही विडंबना था कि गा रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, मीडिया लोगों को पता नहीं कहां से कुछ सूचना आ जाती है और ये लोग इस तरह का बयान दिखाते हैं कि बीजेपी में जाने वाले हैं या टूट होने वाली है, तो ये बताने का काम करे कि लल्लन सिंह के बारे में जो दिखाया गया था क्या मीडिया वाले गलत दिखाए थे क्या। तो क्या नीतीश कुमार बीजेपी में आएंगे और अगर आते हैं तो क्या बीजेपी उन्हें स्वीकार करेगी? देखिए, बीजेपी में आने का भी सवाल ही नहीं है, लेकिन चर्चाएं तो बहुत है जी। चर्चा राजनीति में तो हम बोले कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, लेकिन अभी ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई चीज हम लोगों को भी नहीं पता है। अचानक से बैठक बुला ली गई है, अमित शाह भी बैठक में मौजूद है। ये लोकसभा की चुनाव होने वाले हैं, उसमें तो मीटिंग होती रहती है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी आते हैं, मीटिंगें तो होती रहती है। इसमें इस बिहार से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी पहुंचे हुए हैं जी। तो बिल्कुल, हम तो बिहार में भी तो लोकसभा का चुनाव है। हाँ। तो बिहार की तैयारियों को लेकर के बैठक की गई है, तो उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गए हैं, तो ठीक है, जोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, सुनील कौशिक जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप तमाम दावपेच बेहतर तरीके से जानते होंगे। एक तरफ परिवारवाद का खुले मंच से जिक्र करते हैं नीतीश कुमार, फिर रोहिणी आचार्य बिना नाम लिए तीर छोड़ती है, शब्दों के बाण छोड़ती है और वो बाण जाकर जेडीयू के तमाम लोगों को भी लग जाता है और उसके बाद जो अब सियासत शुरू हुई है। इस बीच अब अटकलें हैं कि बीजेपी में नीतीश कुमार जा सकते हैं, लेकिन बीजेपी साफ नकार रही है कि हम तो आने नहीं देंगे। कब क्या करना है, क्या कहना है। हाँ। और उसका रिएक्शन क्या होगा जी। नीतीश जी ने परिवारवाद की बात छोड़ करके निश्चित तौर से छेड़ने का काम किया और जिस मंशा के साथ इंडिया गठबंधन का उदय हुआ, लग रहा था नीतीश जी को वहां सब कुछ मिल नहीं रहा उनको, न संयोजक का रूप पद मिला उनको और न जो उनकी भूमिका होनी चाहिए निश्चित तौर से भूमिका तय कर पाया। सब कुछ कांग्रेस ने अपने हैंडओवर कर लिया,
जो कांग्रेस चाह रही है, जब मीटिंग बुलाएगी तो कांग्रेस बुलाएगी, क्या तय करना है वो कांग्रेस कहेगी, किस मुद्दे पर चर्चा होनी है वो कांग्रेस तय करेगी। 14 पत्रकारों के बहिष्कार के बाद नीतीश जी का क्या रिएक्शन था सारे लोग जानते हैं। तो निश्चित तौर से ये मान के चलिए कि नीतीश जी पर तब भी भरोसा नहीं था और अब भी भरोसा नहीं है। लालू प्रसाद यादव की जो बेटी बार बार ट्वीट करके जो इशारा कर रही है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है। ये तो जेडीयू के नेता, राजद के नेता और भाजपा के नेता भी जानते हैं। लग ये रहा था कि हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की गोद में जाके बैठ जाएं। लेकिन केंद्र की सरकार ने कर्पूरी जी ठाकुर को जो भारत रत्न का पुरस्कार देकर के जो बिहार की राजनीति में हलचल पैदा की है वो दिख रहा है आज। चाहे केसी त्यागी सुबह से दिल्ली के लिए निकले हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिल्ली कूच कर गए हों, चाहे लालू प्रसाद यादव ने अपने आप मीटिंग बुलाई हो, ये उसी का हिस्सा है। अब कोई डिनाई करे कि ऐसा कुछ नहीं है, निरंतर वाली मीटिंगें हैं, वो हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। और निश्चित तौर से देर रात तक कुछ न कुछ ऐसा अपडेट होगा जहां दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हैं, प्रियंका जी और यादव जी बैठे हुए हैं, कि निश्चित तौर से उस सत्य को स्वीकार करने के लिए बात। यानी ये कहा जा सकता है कि आने वाला जो समय है, इस बीच बिहार की सियासत में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। कौशिक जी, बिल्कुल, मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ कि तमाम ऑफ कैमरा जब नेताओं से बात होती थी, राजद के नेताओं से बात होती थी, तो ये मानने को कतई तैयार नहीं थे कि कभी भी बीजेपी में जा सकते हैं। और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने ये स्वीकार भी किया कि नीतीश जी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। क्योंकि बार बार ये पूरे भारत की राजनीति में आप देखिए, सबसे कम सीट पाने वाला राजनीतिक दल लगातार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, तो कुछ ना कुछ तो उसमें खूबी होगी। और यही खूबी है कि वो कब किसकी गोद में जाके बैठ जाए, ये भरोसा बिहार की राजनीति में नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। पूनम पंडित जी, आपका रुख करते हुए देखिए, एक तरफ जहां इंडिया अलायंस की हम बात करते हैं, कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, ममता बनर्जी ने साफ कह दिया कि भाई हम अपने राज्य में अपने सीटों पर खुद अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम किसी का सहयोग नहीं करेंगे। भगवंत मान ने यानी कि आम आदमी पार्टी ने भी साफ कह दिया कि हम भी अकेले चुनाव लड़ेंगे। और इस बीच नीतीश कुमार की भी जो नाराजगी है वो सामने आ रही है। देखिए, नाराजगी जो है आपस में परिवार में होती है, ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज को नकार दें कि नहीं नाराजगी नहीं है, सब ठीक है। नाराजगी होना एक अलग चीज है। अभी आपने देखा था मध्य प्रदेश में जब चुनाव थे तो अखिलेश जी ने अलग चुनाव लड़ा था मध्य प्रदेश में और कांग्रेस ने अलग लड़ा था, तब भी बहुत सारे मीडिया चैनल पे यही दिखाया जा रहा था कि अब इंडिया गठबंधन में अखिलेश जी नहीं रहेंगे, वो नहीं रहेंगे, वो बिल्कुल नाराज हैं, अब बिल्कुल बंटवारा नहीं हो पा रहा सीटों का, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, अब तो बस गठबंधन टूट गया, इंडिया गठबंधन, उनसे ये वाली चर्चाएं बहुत ज्यादा आपने भी देखी होगी। जानकारी तो ये भी सामने आ गई है कि न्याय यात्रा जिसके लिए सहयोग मांगा था राहुल गांधी ने, उसमें यात्रा में शामिल नहीं होंगे नीतीश कुमार। देखिए, ये समय समय पर हो सकता है उनकी पार्टी जो है वो ये समझ रहे हो कि ये नया यात्रा सिर्फ कांग्रेस की है, इंडिया गठबंधन की नहीं है, हो सकता है ये उनका अपना मत हो। ये जो नया यात्रा, राहुल गांधी ने खुद कहा, राहुल गांधी जी की इंडिया अलायंस का गठबंधन हो गया है तो मैं चाहूंगा कि इंडिया अलायंस में जो तमाम सहयोगी दल है वो इस यात्रा में मेरा सहयोग करें, लेकिन नीतीश कुमार तो शामिल हो ही नहीं। देखिए, ये उनका पहले से बहुत ज्यादा पूरे देश को पता है समय समय पर वो किस तरीके की चीजें करते रहे, लेकिन ये अभी ये बिल्कुल क्लियर कहना कि इंडिया गठबंधन में वो नहीं है तो ये मेरे हिसाब से गलत होगा। ये भी नहीं कह सकते हम कि उन्होंने समय समय पर कभी जाकर किधर पाला बदला है, कभी किधर बदला है, लेकिन ये चीज तो वही क्लियर आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अभी भी बवाल लगातार जारी है। दरार होगी या बिहार की सियासत में, लगातार इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप सब हमारे साथ बने रहिएगा और आप भी कहीं मत जाइएगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जिस तरह जिक्र किया जा रहा है कि परिवारवाद पर बयान दिया गया नीतीश कुमार की ओर से, उसके बाद लगातार बैक टू बैक ट्वीट किए गए रोहिणी आचार्य की ओर से, और वो ट्वीट अब, वो पोस्ट अब डिलीट भी कर दिए गए हैं। एक बार फिर से हमारे गेस्ट का पैनल का रुख कर लेते हैं और इस बार सवाल अरुण जी आपसे ही लेना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह परिवारवाद का जिक्र किया नीतीश कुमार ने खुले मंच से, इस पर अब तक जो आरजेडी की स्थिति मैं समझ पाई हूं और जिस तरह का आपने बयान भी दिया, आपकी बातों से भी सीधा ये जरूर लगता है कि अभी भी इस गठबंधन को बचाने की कोशिश में आरजेडी अहम भूमिका में है, लेकिन जेडीयू इस बार विचार बना चुकी है
देखिए पूजा जी, महागठबंधन में सारा चीज ठीक ठाक है, ऑल इज वेल, और बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है, आगे भी चलेगी, इसमें कहीं अगर ऑल इज वेल है अरुण जी, अगर ऑल इज वेल है तो आप मुझे बस इतना समझा दीजिए कि रोहिणी आचार्य ने जो ट्वीट किया वो ट्वीट किसके लिए था, जिसमें उन्होंने कहा था, मैं एक बार बता भी दूं आपको, समाजवादी पुरोधा होने का करती वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है, बिना नाम लिए रोहिणी आचार्य आखिर किस पर निशाना साध रही है? पूजा जी जान लीजिए, रोहिणी आचार्य जी का हम लोग तो नहीं जानते, उनका आधिकारिक ट्विटर हैंडल है वो, तो जानना चाहिए और आपको फेक, नहीं 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 बिल्कुल नहीं है, आपको नहीं लगता कि आपको जानना चाहिए? अगर आधिकारिक ट्विटर हैंडल नहीं था तो पोस्ट डिलीट क्यों हुआ, सियासी पराहाय होते? बात अब कौन किस ट्विटर हैंडल से क्या करते हैं, वो पार्टी का लाइन थोड़े हो सकता है, आप भी डाल दीजिए कुछ कि राजा दौर जेडीयू टीवी पर तो बचा लेंगे सर, लेकिन अंदरूनी दरार को कैसे संभालेंगे? क्या तेरे पार्टी का, आप जो बोलेंगी वही, और कोई कुछ यादव जी, जब पार्टी लाइन नहीं होती है तो पार्टी के वरिष्ठ नेता उसका खंडन करते हैं, खंडन भी नहीं हुआ, इस बात को मानिए कि राजकीय नेतृत्व स्वीकृत है, मौन स्वीकृत है उसका। फेक आईडी से किया गया ट्वीट वो खंडन करने की क्या जरूरत है? क्यों खंडन नहीं होगा, जब जिससे भूचाल आ गया, बार बार डिबेट हो रही है, मीडिया पूछ रही है, और आप कह रहे हैं खंडन करने की आवश्यकता नहीं है? फेक आईडी से बताया कौशिक जी, अगर फेक आईडी से होता, फेक आईडी से होता तो मुझे लगता है आजकल सोशल मीडिया इतना कम नहीं हो सकता है फेक आईडी से। देखिए वो बता रहे हैं, आप उनकी भी बात सुनिए प्रीति। नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो मुझे भी लगता है कि आज से पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि कई आईडी हैक हो गई है, कई बार ऐसा हुआ है कई आईडी से हैक होने के बाद गलत ट्वीट भी किए गए, लेकिन तुरंत उस पर तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया गया और ये जानकारी शेयर की गई कि ये गलत ट्वीट हुआ है और आईडी हैक हो गई। अरुण जी आप ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि आईडी हैक, आईडी हैक की बात में नहीं कह रहा हूँ मैं, तो स्पष्ट सीधे कह रहा हूँ कि अधिकारी जेडीयू से हमारे साथ मयंक सिन्हा जी जुड़ गए हैं, उनका ही रुख कर लेते हैं। मयंक जी, मयंक जी, परिवारवाद को लेकर मचा बवाल, अब इस पर आप क्या कहेंगे, क्या जेडीयू की राह अलग होने वाली है? 2019 में जो ट्रेलर रिलीज हुआ था, अब वो पूरी की पूरी पिक्चर इस बार लोकसभा चुनाव से पहले रिलीज कर देंगे नीतीश कुमार? देखिए अभी तो हम लोग महागठबंधन के साथ हैं जी, महागठबंधन भी हमारे मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री हैं, तो अभी तो कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। अच्छा ऑल इज वेल है, अगर मयंक जी एक बार समझना चाहूंगी, परिवारवाद तो बीजेपी का एजेंडा है, परिवारवाद का जिक्र तो बीजेपी करती है, फिर आखिर परिवारवाद का ही जिक्र नीतीश कुमार करते नजर आते हैं, और इशारों ही इशारों में परिवारवाद बिहार में अगर हम समझे तो आप भी बेहतर समझते हैं कि किस ओर इशारा रहा होगा उनका? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी कर्पूरी ठाकुर के जो आगे का कहे कि वंशज जो इस तरह कह लीजिए उस तरह का है उनका आचरण रहा है, उन्होंने अपने परिवार को कभी बढ़ाने का काम नहीं किया राजनीति में, वो परिवारवाद के शुरू से जब से वो नहीं, नीतीश कुमार के परिवारवाद से क्या मतलब था ये समझना चाहती हूँ मैं, क्योंकि बीजेपी तो परिवारवाद के खिलाफ है, बीजेपी का तो एजेंडा है ही नहीं, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी करते हैं कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित करने के लहजे में, वो धन्यवाद भी करते हैं, दोनों की बात भी होती है। प्रधानमंत्री तो अभी नहीं, प्रधान माननीय प्रधानमंत्री जी तो बिल्कुल धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि जो लड़ाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने लड़ने का काम किया और उसका उन्होंने पूरा करने का काम किया, तो जो दो लोग जो परिवारवाद के पोषक नहीं है, जो दो बड़े नेता समाजवाद के पोषक रहे हैं, यानी ये महागठबंधन अभी कहता है कि ऑल इज वेल, आप ये कहना चाहते हैं मयंक जी? नहीं नहीं देखिए अभी ऑल इज वेल है, राजनीति में अगर कोई हमारा जिससे हमारा राजनीतिक सहकारिता नहीं है, अगर कोई व्यक्ति उस अच्छा काम करता है तो उसकी सराहना करनी चाहिए, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा करते हैं, कटाक्ष भी आप ही करते हैं और सराहना भी आप ही करते हैं, उसके बाद टेलीविजन स्क्रीन पर कहते हैं कि ऑल इज वेल है। सुनील जी क्या आपको वाकई लगता है कि महागठबंधन में वाकई में ऑल इज वेल है? नहीं, बिल्कुल ऑल इज वेल नहीं है।
निश्चित तौर से। देखिए अगर किसी का किसी की बात का, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी की बात का अगर बिहार के मुख्यमंत्री धन्यवाद कर रहे हैं तो आपको दिक्कत, अगर धन्यवाद नहीं करें तो आपको महोदय दिक्कत। अब समझ में ये नहीं आता कि जब भी आप चर्चा करने बैठते बोलते एकाध काम के लिए तो धन्यवाद कर दीजिए, अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने धन्यवाद अगर कर दिया तो भी आपको दिक्कत। धन्यवाद कर रही हूँ कि कम से कम एक मिनट मैं बिल्कुल पूरे चैनल के माध्यम से बताऊंगी कि बिल्कुल मैं धन्यवाद करती हूँ कि एक अच्छे इंसान को प्रधानमंत्री जी ने धन्यवाद कर रहे हैं, मैं भी धन्यवाद करती हूँ, लेकिन वो कर रहे हैं जो राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, देखिए रोड शो उनका निकल रहा है और खुद उनके साथ राष्ट्रपति इमानुएल मौजूद हैं और इस रोड शो के जरिए आप देखिए कि लोगों के बीच भी कितना ज्यादा उत्साह है, लोग उत्साहित हैं, खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि इसके जरिए भारत विकास की एक और सीढ़ी पर चढ़ता नजर आएगा। वहीं इंडो फ्रांस दोस्ती को नया मुकाम मिलेगा, मोदी और मैक्रों की जो ये दोस्ती है ये और बेहतर होगी, ये भारत को और ज़्यादा सशक्त करेगी और सशक्तिकरण का ये प्रदर्शन आप रोड शो के जरिए अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पिंक सिटी पहुँचे हुए हैं फ्रांस के राष्ट्रपति और उनके साथ मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कड़ी सुरक्षा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच चुके हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति चले। ठीक है, एक बार फिर से हमारे गेस्ट का रुख कर लेते हैं और तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो ठीक है जो चर्चा चल रही है वो तो चलेगी ही, लेकिन मैं आप लोगों से चाहूंगी कि एक बार ये जो रोड शो निकाला जा रहा है और जो तस्वीरें आज पूरा विश्व देख रहा है, सुनील जी क्या लगता है कि इसके जरिए भारत वाकई सफलता की सीढ़ी को एक एक चढ़ता जा रहा है और अब कोई नहीं है टक्कर में? देखो जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष दौरा करते हैं भारत का, तो निश्चित तौर से देखने को मिलता है कि भारत के प्रधानमंत्री के दोस्ती के साथ साथ ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी है उनकी, और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर जो आजकल चल रहा है, तमाम देशों में युद्ध, तमाम देशों में खेमाबंदी, कूटनीतिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से जो प्रयास होते हैं पीछे के पर्दे से दबाव डालने के, वो सब कुछ इस समय मुझे लगता है कि हलचल है पूरे विश्व में। जो द्वितीय विश्व युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध की जो हम लोग बात करते आते हैं, पहले से होता है। सुनील जी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ठीक है, जब भी कोई मेहमान आता है तो हमारे प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी होती है मेहमानों का, पूरे देश का जो है पूरा देश उनका स्वागत करता है, तो ऐसा नहीं है कि ये 2014 के बाद से हो रहा है और ये पहले भी होता है। मानती है ना इसके जरिए विकास होगा देश, देखिए पहले भी ऐसा हुआ पूजा जी। और बात अगर विकास की करें, विकास के नाम पर बिना कांग्रेस, बिना राहुल गांधी, बिना प्रियंका गांधी, बिना सोनिया गांधी, भाजपा की राजनीति एकदम जीरो है, बिना गांधी के भाजपा की राजनीति जीरो है, जीरो है। परिणाम आपने इस बार देखे होंगे चुनाव में, खैर बिल्कुल मैंने परिणाम देखे थे, अभी जो है कांग्रेस कई राज्य हार चुकी है, हाँ। लेकिन हमने ये भी परिणाम देखे थे कि भाजपा को वोट मिला था 4 करोड़, कांग्रेस को वोट मिला था 4 करोड़ 91 लाख, ये भी हमने रुझान देखे थे, तो वोट बैंक कांग्रेस का भाजपा से ज्यादा है, ये भी हमने रुझान देखे थे। ठीक है, सबसे बड़ा सवाल सुनील जी ये कि क्या लगता है कि अब अगर हम बिहार की ही बात कर ले, वहां पर 40 लोकसभा सीटें हैं, क्या अब बीजेपी को ये महसूस होने लगा है कि लोकसभा चुनाव वहां पर जीत पाना या फिर 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव जीत पाना बिना नीतीश कुमार के सहयोग के थोड़ा मुश्किल होने वाला है बीजेपी? देखो हर घटना के मायने होते हैं प्रीति जी, और इस समय जब भारत रत्न की घोषणा हुई तत्काल से आपने देखा होगा हम लोग तो रात तक डिबेट में बैठे रहे कि बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया, और ये सब होना ही था वहाँ पर। और नीतीश कुमार जी जिस बात की मांग करते रहे और जो चीज़ें उन्होंने रखी हैं कर्पूरी ठाकुर जी की, जो भी भावनाएं थी, जो भी उनकी नीतियाँ थी, उनको आगे ले जाने के लिए निश्चित तौर से उसको डिनाई नहीं कर सकते हम लोग। जंगल राज रहा हो, जंगल राज का नाम रहा हो, तमाम लालू प्रसाद यादव की जब सरकार थी उसका जितना विरोध बीजेपी ने नहीं किया, जितना विरोध नीतीश जी ने किया वहाँ पे जा करके, तो ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी हुआ
उसके राजनीतिक मायने हैं, और नीतीश जी ने वो बात आगे बढ़ा दी परिवारवाद की बात कह करके और प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद दे करके, तो निश्चित तौर से उसके मायने हैं। और ये मायने हैं कि भाजपा के बड़े नेता और केसी त्यागी जैसे बड़े नेता या दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, और लालू प्रसाद यादव को यदि मीटिंग बुलानी पड़ रही है तो निश्चित तौर से कुछ तो दाल में काला है, ये नहीं कि हम उसको डिनाई कर देंगे। और दो चार दिन में ये देखेगा कि बिहार की राजनीति में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बहुत दिन से ये बातें चल रही हैं कि राजद ने और जेडीयू ने आपस में सीटें बांट ली, कांग्रेस को विश्वास में नहीं लिया। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने और लोकदल ने 7 सीटों देने की वायदा की, कांग्रेस को वहां नहीं पूछा गया। ममता बनर्जी का आपने देख लिया, पंजाब से बयान आ ही रहे हैं इस तरीके के, हम गठबंधन में नहीं रहेंगे। रुक करूंगी आपका दोबारा से, लेकिन तस्वीरें लगातार हम दिखा दें एक बार, क्योंकि ये भी अपने आप में ऐतिहासिक है। 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं फ्रांस के राष्ट्रपति, चले एक बार फिर से हमारे गेस्ट का रुख कर लेते हैं। पूनम सिंह जी, आपका रुख करते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए जब हम बात बीजेपी की करते हैं, अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 में 17 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी, लेकिन इस बार अगर हम विधानसभा चुनाव की भी बात करें या फिर बिहार में बीजेपी की स्थिति की हम बात करें, तो अभी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि चेहरा सीएम का कौन होगा बीजेपी के पास नहीं है, और ना ही अब तक इसको लेकर कोई स्थिति स्पष्ट बीजेपी ने की है। तो क्या अगर नीतीश कुमार आते हैं तो लौट के बुद्धू जब घर को आए तो क्या लगता है उन्हें स्वीकार किया जाएगा बीजेपी की ओर से? देखिए बीजेपी में एक कार्यकर्ता, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, अब भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि वो पीएम कुर्सी पर भी कोई कार्यकर्ता जा सकता है। तो आप, हम आपके इस बात को सीधे से नकारते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है, एक कार्यकर्ता भी है। आप देख रही हैं कि प्रधानमंत्री बन सकता है तो सीएम एक कार्यकर्ता ही हो सकता है। अब कौन होगा वो तो समय आएगा तो वो सबके सामने आ जाएगा। और दूसरी चीज है कि पूनम जी कह रहे हैं कि भाजपा का जो अभी केंद्र में सरकार है कोई काम नहीं किया है, तो हम पूजा जी इनसे, पूनम जी से पूछना चाहेंगे कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से 80 करोड़ लोगों को जो लाभ मुफ्त अनाज मिला वो किनके पास गया? आपने जो अपने अपने वोटर बनाने का काम बात 15 लाख खाते से चालू हुई थी पूनम जी, और बात सिर्फ 5 किलो राशन पर और 1 किलो चने पर लाकर के आपने दी, और बात शुरू हुई थी 2014 के चुनाव से 2 करोड़ रोजगार पर, और आपने 5 किलो राशन पर जो लाने का काम किया है, और बात चालू हुई थी युवाओं को रोजगार देने के लिए, और आपने उनको जो है जी, मयंक जी, मयंक जी कुछ कहना चाहते हैं, मयंक जी कुछ कहना चाहते हैं, पूनम जी रोजगार देने का जो काम आप कर रहे हैं ये रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? ठीक है, आज आप चैनल पर बोल रहे हैं, मयंक जी कुछ कहना चाहते हैं, मयंक जी का सवाल है, बेटियों को नंगा घुमाया आप कितना बोली थी बैठ करके चैनल पे, अगर कोई भी आपकी प्रतिक्रिया, मैं आप दोनों से चाहूंगी आप दिखाइए, हाथरस पे अगर आप बोली हो, उन्नाव पे बोली हो, किसानों पे बोली हो, अग्निपथ से पीड़ित होकर के नौजवानों ने आत्महत्या की उस पे आप बोली, अगर आप बोली है तो आप अपनी प्रतिक्रिया दिखाइए, मैं भी देखना चाहती हूँ, देश भी देखना चाहता है। अगर आप बोली, क्या आपने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन से इस्तीफा मांगा? क्या आप मणिपुर गई? इसलिए दोहरा चरित्र बंद कीजिए, और सुनिए संबित पत्र नहीं बनेंगे आप टीवी पर आपके जैसे लोग कुर्सी और सत्ता के लिए पार्टी नहीं मिलेगा साहब, आपको कोई मंत्रालय नहीं मिलने वाला, मंत्रालय नहीं मिलेगा, लेकिन अभी भी सवाल यह है कि बिहार में पूनम जी, पूनम जी, पूनम जी, आप लोग इस तरफ, पूनम जी, मयंक का एक सवाल है, मयंक जी से मैं चाहूंगी कि जो उनका सवाल है एक तो वो सवाल जरूर पूछे, और साथ ही अभी भी सवाल यह है कि जिस तरह कांग्रेस के साथ इंडिया अलायंस तैयार किया गया, और अब सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार जल्द ही कोई बड़ा खेल खेल सकते हैं, कोई बड़ा दांव अपना सकते हैं, तो इस पर अगर चर्चा हो तो वो बेहतर होगा। मयंक जी, बिल्कुल, मैं एक छोटा सा शायरी बोल देता हूँ, उसके बाद मैं बात को पूरा कर जी, जिस दिन से मैं चला हूँ, जिस दिन से मैं चला हूं, मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मिल का पत्थर नहीं देखा,
ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले हैं, तुमने मेरे कांटों का बिस्तर नहीं देखा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कांटों से निकाल के बिहार को संवारा है। 2005 से बाद का बिहार उन्होंने जो बनाया है वो बिहार एक अविश्वसनीय अकल्पनीय, उन्होंने जो विरासत में उनको बिहार मिला और आज का जो बिहार है वो बहुत बड़ा बिहार बना है। आप ये समझिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी कर्णधार हैं महागठबंधन के, वो खुद रचयिता हैं महागठबंधन के, उन्होंने बहुत ही भूमिका निभाकर ये कामने का काम किया। यही कारण तो नहीं मयंक कांग्रेस जी कि कहीं लोग नीतीश कुमार समझ नहीं, मैं बता रहा हूं, आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। भतीजे आ रहा हूं, के इस रिश्ते में कांग्रेस सीएम कांग्रेस की कुर्सी तेजस्वी यादव को ना देना पड़ जाए, क्योंकि इंडिया अलायंस तो देखिए जिस तरह से कमजोर हो रहा है वो आज हर कोई देख रहा है, आप भी बेहतर तरीके से देख रहे हैं। ऑब्जर्वर तो तय हो नहीं पाया, 4 बैठकें हो गई हैं, लेकिन अभी भी इंडिया अलायंस को अगर आपको लगता है कि मजबूत है इंडिया अलायंस, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मन में ये डर आ गया है कि पीएम तो अब बनना मुश्किल है, कहीं ऐसा ना हो कि कुर्सी जो है सीएम की वो भी खिसक जाए हाथ से। माननीय मुख्यमंत्री जी कभी डरते नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी फ्रूट पर खेलते हैं, डरने वाले हमारे नेता नहीं है, लोग उनसे डरते हैं। इतने लोग जो लोग हैं आज चर्चा किस लिए कर रहे हैं? अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई वजूद नहीं होता तो चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का वजूद बहुत बड़ा है। और एक और दूसरी बात, पूजा जी आप तो इतनी बड़ी एंकर हैं, आप इतनी समझदार पत्रकार हैं, मुझे नहीं लगता है कि आप जैसी पत्रकार आज के डेट में हैं, आप तो बहुत समझदार पत्रकार हैं, आपको इस बात को समझना चाहिए कि पहले का बिहार और अब का बिहार, और जो कर्पूरी ठाकुर का जो सोच था वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है। ठीक है, कोई मयंक जी पर आपत्ति नहीं। मयंक जी एक सवाल आ रहा है कि पहले का बिहार बार बार आप जिक्र कर रहे हैं, वो पहले का बिहार बनाने वालों के साथ ही आप मिल गए? नहीं, देखिए वो समय चर्चा इसलिए करनी जरूरी है कि तब का बिहार और आपका बिहार आप देखिए, उसमें आप खुद समझिए। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ भी सरकार 17 साल हमने, तो भारतीय जनता पार्टी के समय भी विकास की रफ्तार रही। कितने बार हुआ है मयंक जी, ये तो आपने भी खैर देख ही लिया होगा, बताने की जरूरत तो है नहीं कि नीतीश कुमार कितने बार किसके साथ गए हैं। खैर, हमारे पास समय काफी कम है, मैं एक एक करके आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी ताकि एक कंक्लूजन जरूर निकल जाए। सबसे पहले पूनम सिंह जी, एक ही सवाल और एक ही जवाब आपसे चाहूंगी कम शब्दों में, क्या बीजेपी में अगर नीतीश कुमार आते हैं तो बीजेपी उन्हें स्वीकार करेगी? जी देखिए, इस पे हमारे शीर्ष नेतृत्व का मुहर लगता है और बीजेपी में ऐसा कोई हम लोग कार्य करता है या प्रवक्ता नहीं है जो इसको डिसीजन दे सकता है। ठीक है, यानी कि शीर्ष नेतृत्व इसे तय करेगा। ठीक है, अरुण जी का रुख करते हैं। अरुण जी, आपको क्या लगता है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, परिवारवाद को कहकर अगर निशाना साध भी रहे नीतीश कुमार तो भी ये निशाना आरजेडी की तरफ नहीं था, ये महागठबंधन की चाचा भतीजे का रिश्ता बिल्कुल सिक्योर है? एक शब्द में सिर्फ आंसर। जो भी जिस बयान की जिक्र कर रहे हैं वो तो यहाँ तो मांझी जी एनडीए में है, परिवारवाद की पार्टी है, चिराग जी है परिवारवाद की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में खुद सैकड़ों परिवारवाद से ही आए हैं राजनीति में, मैं जुड़ाने लगूं तो घंटों लग जाएंगे। एक तरफ चर्चा एनडीए के साथ तैयारी में लगे हुए हैं नीतीश कुमार, ये है, दूसरी तरफ चर्चा ये अरुण कुमार जी भी लगातार दावा दे रहे हैं, दावा ठोक रहे हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक है और एनडीए के साथ कोई रिश्ता आगे तैयार नहीं होगा नीतीश कुमार के साथ? नहीं, देखिए अभी तो हम लोग महागठबंधन में हैं। हाँ। और महागठबंधन के सूत्रधार और नायक नीतीश कुमार होगा या नहीं होगा? और एनडीए में जा सवाल कहां उठता है, हम लोग कोई एप्लीकेशन थोड़ी ना दिए एनडीए को। चलो ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती समय देने के लिए। तो देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पीएम मोदी की, फ्रांस के राष्ट्रपति पहुंचे हुए हैं पिंक सिटी जयपुर और दोस्ती की नई उड़ान की शुरुआत पीएम मोदी के साथ।
तो मोदी मैक्रो की दोस्ती आप देख रहे हैं। We'll be right back.